नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड 19 के 700 से कम मामले। बिजली बिल में नहीं होगी बढ़ोतरी, प्रस्ताव को BIA ने किया खारिज। गुरुवार के बाद आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना। बिहार के इस जिले में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना में हुआ बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली बिल में नहीं होगी बढ़ोतरी, प्रस्ताव को BIA ने किया खारिज। सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बीते कुछ दिनों से बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद उम्मीद थी कि अप्रैल महीने से पहले बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही थी। साथ ही महंगाई की मार भी आम लोगों पर पड़ते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अब राहत की खबर निकल करके सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव को BIA ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आम लोगों को बिजली बिल की महंगाई के मार को नहीं झेलना होगा। BIA ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहा है कि जो भी लॉस है उसकी भरपाई वो ग्राहकों से अधिक पैसे लेकर नहीं कर सकते हैं। गुरुवार के बाद आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। शीत लहरी की मार के बीच अब बिहार वासियों को बारिश की मार का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की ही बात करें तो शाम के बाद राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई तो देर रात तक वो जारी रही। वहीं आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों में कुछ स्थानों पर हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार के दिन भी प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही राजधानी पटना में रात के लगभग 9:30 बजे से आकाशीय बिजली का कड़कना शुरू हुआ तो 10:30 बजे तक काफी तेज देखने को मिला था। पटना के अलावा राज्य के अन्य 26 जिलों में भी यही हाल रहा था और आज भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिलने वाला है। सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना में हुआ बदलाव। बिहार में जोर शोर से सोलर पावर प्लांट लगाने का काम हो रहा है। हालांकि अब जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार बिहार में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। अब उपभोक्ता अपनी पसंद की कंपनी का सोलर पावर प्लांट अपनी छत पर स्थापित कर सकेंगे। इसकी पूरी निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनेगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी और इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने की योजना के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना में बदलाव किया है। बिहार में इस जिले में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत सारण जिला स्थित कालूघाट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई लेवल बंदरगाह की सौगात मिलने वाली है। वहीं सबसे खास बात यह है कि इसका शिलान्यास भी कल यानी कि शनिवार को होने की पूरी पूरी संभावना जताई गई है। उम्मीद है कि 13.17 एकड़ भूमि में करीब 78.5 करोड़ रुपए की लागत से यह टर्मिनल 2 साल में तैयार हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शनिवार को पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से शिलान्यास करने वाले हैं। इसकी जानकारी IWAI गायघाट के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने दी है। उनका मानना है कि इस टर्मिनल से व्यापार के साथ रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। पटना जंक्शन से हटाई जाएगी देश के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा। पिछले कई सालों से पटना जंक्शन पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन जल्द ही इस प्रतिमा को हटाए जाने पर सोच विचार किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उनकी प्रतिमा को बेली रोड में विश्वेश्वरैया भवन के पास स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जंक्शन में मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ही उस जगह को चयनित किया गया है। प्रतिमा वाली जगह पर मेट्रो इंटर एक्सचेंज स्टेशन का निर्माण होना है। Corridor 1 और Corridor 2 की मेट्रो यहां आएगी। ऐसे में यहां लगे पंडित नेहरू की प्रतिमा परेशानी बन रही थी। भवन निर्माण विभाग ने सरकार को प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद यह सरकार ने अपनी सहमति इस पर दे दी है। पटना शेल्टर होम मामले में SIT करे जांच। इन दिनों बिहार में पटना शेल्टर होम का मामला गरमाया हुआ है। इसी मामले को सुलझाने के लिए देश के बहुचर्चित निर्भया कांड की वकील भी बिहार पहुंच चुकी है। वो भी अब इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। निर्भया की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा है कि पटना की सड़कों पर एक बेटी पिछले 5 दिनों से न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसा ही मामला है, जिसे समाज कल्याण विभाग ने बिना सोचे समझे जांच कर रफा दफा कर दिया है। सीमा ने कहा है कि जो हुआ वो 21वीं सदी के भारत का धब्बा है।
जरूरी है कि इस पर SIT जांच करे। बिहार में मिले COVID-19 के 700 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 655 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3390 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 12, अरवल में 2, औरंगाबाद में 5, बांका में 5, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 20, भोजपुर में 13, बक्सर में 10, दरभंगा में 10, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 4, गोपालगंज में 27, जमुई में 10, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 19, खगड़िया में 5, किशनगंज में 6, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 36, मधुबनी में 18, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 3, नवादा में 8, पटना में 64, पूर्णिया में 142, रोहतास में 9, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 24, सारण में 21, शेखपुरा में 0, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 13, सुपौल में 4, वैशाली में 26, वेस्ट चंपारण में 34 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 6 ऐसे मामले की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,45,899 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 1,013 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। बिहार सरकार अब पटना हाईकोर्ट से शिक्षकों पर कार्रवाई करने की करेगी मांग। बिहार सरकार जल्द ही हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर 90,000 शिक्षक बहाली में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि यह कार्रवाई सभी शिक्षकों पर नहीं होगी बल्कि उन शिक्षकों पर ही होगी जिनसे बिहार सरकार में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाया था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से तो शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा लिया गया, लेकिन इन दस्तावेजों की पुष्टि के लिए किसी भी नियोजन इकाई में ना तो मेरिट लिस्ट उपलब्ध है और ना ही कोई अन्य रिकॉर्ड। यही कारण है कि अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, क्योंकि परेशानी की यही बात है कि उन दस्तावेजों का सत्यापन तभी हो पाएगा जब नियोजन इकाई में जमा रिकॉर्ड में उनका मिलान होगा। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। जो पढ़ा लिखा है वही अगड़ी जाति फॉरवर्ड है, बाकी सब बैकवर्ड है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत रॉय ने जाति सिस्टम की नई परिभाषा रची है। बीते दिन वैशाली में भगवानपुर में हो रहे चकाको क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी और शील्ड प्रदान करने के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी देर तक क्रिकेट मैच का आनंद लिया। मैच समाप्ति के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री ने कहा कि जो पढ़ा लिखा है वही अगड़ी जाति यानी कि फॉरवर्ड है, बाकी सब बैकवर्ड है, जिसके बाद ही उनका यह बयान में बना हुआ है। इसके साथ ही बिहार में उन्होंने कहा है कि शिक्षा के साथ ही खेल की भावना से खेलना भी बहुत जरूरी है। बिहार में 11 विषयों के चयनित प्राध्यापकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। बीते दिन बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग को 11 विषयों में चयनित सहायक प्राध्यापकों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी है। मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने इनकी रिक्तियों की सिफारिश की थी। जानकारी के अनुसार प्रत्येक विषय में शिक्षकों की अनुशंसा विश्वविद्यालय वार भेजी गई है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही इन चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। हालांकि अब तक जो नियम कानून है उसके अनुसार सभी विभाग के लिए चयन के बाद ही नियुक्ति पत्र मिल पा रहा है था, यही नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसी बीच छठे चरण के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अंतिम मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन भी गुरुवार को कर दिया गया। हालांकि कई जिलों में ये कवायद अभी भी जारी थी। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार के गुजर जाने पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीते दिन मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद साहित्य से जुड़े हर किसी ने तो शोक संवेदना व्यक्त की ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैथिली साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। साल 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से मैथिली साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लिली रे ने मरीचिकी नामक मैथिली उपन्यास का लेखन किया है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की प्री बजट बैठक। बिहार का बजट जल्द ही पेश होने वाला है। हालांकि बजट पेश होने से पहले ही बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्री बजट बैठक बुलाई, जहां उनके साथ विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के दौरान सभी ने बजट को लेकर के अपने ने सुझाव भी उपमुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। इस दौरान संगठनों ने रोजगार सृजन हेतु बिहार में बंद पड़े उद्योग को रिवाइवल पैकेज देकर पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। साथ ही राज्य के सभी 534 प्रखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित कौशल केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, कोटा अवधारणा के तहत बिहार के सभी शहरों में भी कोचिंग ग्राम अवधारणा के संचारात्मक विकास हेतु बजट में आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध किया है। तेज प्रताप ने तेजस्वी के राजद अध्यक्ष बनने की संभावना को किया खारिज। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उनका एक बयान मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की राजद अध्यक्ष बनने की संभावना को नकार दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो सबसे बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी वो चलते रहेंगे। ऐसे में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद पार्टी को लेकर चर्चा भी जोरों पर है कि इस साल पार्टी के लिए बदलाव वाला साल हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इससे इनकार किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भवन निर्माण विभाग के साथ की बैठक। बजट सत्र से पहले ही बीते दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कार्यालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के साथ बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसके तहत ही उन्होंने बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के बेसमेंट को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह तक उसका काम पूरा करने के आदेश दिया है। इसके साथ ही विधायक आवासों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए 2 महीने के अंदर काम पूरा करने, बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने पर इसकी स्मृति को जीवित रखने हेतु बनाए जा रहे शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्माण कार्य 15 अप्रैल तक पूरा करने, बिहार विधानसभा में आने वाले आगंतुकों के लिए स्वागत कक्ष को 25 फरवरी से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र से पहले चालू करने, बिहार विधानसभा के अतिथिशाला और इसके डिजिटल संग्रहालय का भी निर्माण करवाने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। फाइनल मैच से पहले विराट कोहली अंडर-19 खिलाड़ियों को दे रहे जरूरी टिप्स। कप्तान यश धूल के शानदार शतक के मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराकर लगातार 4थी बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। रिकॉर्ड 4 बार के चैंपियन भारत का सामना अब शनिवार को फाइनल में इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अंडर-19 टीम के सदस्य कौशल तांबे से ऑनलाइन बातचीत करते हुए नजर आए। तांबे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि विराट कोहली उनको और टीम को फाइनल से पहले जरूरी टिप्स दे रहे हैं। कौशल तांबे ने विराट कोहली के साथ की तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा, फाइनल से पहले ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से कुछ जरूरी सुझाव। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, अमन वत्स, ऋतिका शाह गुप्ता, नुनु कुमार, प्रिंस कुमार, कामरान साजिद, रॉकस्टार इंडिया, जमशेद रजा, सोनू कुमार, राजेश सोंथियाल, शंकर मुखिया, सूरज कुमार, रंजन कुमार, विकी कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नीतीश सरकार बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने में कामयाब हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।